ये रायपुर अब चाकूपुर बन गया, ये रायपुर नहीं रहा। और जो साएं साएं की सरकार है ना, वो ढाए 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 हो गई है। मुझे डराने का प्रयास किया जा रहा है, मुझे चुप करने का प्रयास किया जा रहा है। रायपुर मेयर एजाज डेबर पर आंदोलन के दौरान पुलिस से मारपीट और बदसुलूकी के मामले में FIR हुई है। इसके बाद शनिवार को एजाज डेबर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि भाजपा के वीडियो जारी करने के बाद पुलिस अपने अकाओं को खुश करने के लिए ऐसा कर रही है। 24 जुलाई को हुए कांग्रेस के आंदोलन को लेकर एजाज डेबर, आशीष द्विवेदी समेत कई कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज किया गया। आरोप है कि बिना अनुमति विधानसभा घेराव के लिए रास्ता बाधित किया गया, साथ ही पुलिस से गाली गलौज और मारपीट की गई। सरकारी काम में बाधा डालने पर थाना सिविल लाइन में FIR हुई है। महापौर ने कहा कि रायपुर अब चाकूपुर बन गया है, अब छत्तीसगढ़ में साए साए की सरकार अब ठाए ठाए की सरकार बन गई है। यहाँ गोलियां चल रही है, क्राइम बढ़ रहा है, जो अपराध कर रहे हैं उनको पकड़ो। बीजेपी IT सेल से वीडियो जारी होने के बाद पुलिस मुझ पर कार्रवाई कर रही है। राजनीतिक द्वेष के चलते मुझ पर FIR हुई, ऐसे गंभीर आरोप आज तक मुझ पर नहीं लगे थे। आप सबको पता है कि 24 तारीख को विधानसभा घेराव का कार्यक्रम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पे किया गया था और प्रदेश अध्यक्ष और शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के द्वारा मुझे बहुत बड़ी जवाबदारी दी गई थी कि आपको अपने सभी साथी को लेकर पहुंचना है। हम लोग ने काफ़ी बस और टेम्पो को हमने करवाया था। सबसे पहले शुरुआत ये लोग ने हमारी बसों को रोका, हमारी टेम्पो को रोका, ज़बरदस्ती चार चार पाँच पाँच किलोमीटर पहले आदमी को उतार दिया गया और ज़बरदस्ती उनको परेशान किया गया कि रास्ता जाम है करके। उसके बाद फिर एक घटना, जब विधानसभा घेराव चल रहा था तो 24 से 25 हज़ार लोग रहे होंगे, वो 25 हज़ार में भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ मेरे को धक्का मुक्की करते हुए देखे। एक वीडियो मेरे पास में है जिसमें पुलिस वाले मेरी कॉलर पकड़ रहे हैं, वो आप लोग को मैं शेयर करूंगा। पुलिस वाले मेरे को ढकेल रहे हैं, अब स्वाभाविक है उनके ढकले ढकलेन में मेरे को चोट आई, मेरी पसली में लगा, जिसका एक्सरे ये मेरे पास में है, जिसका एक्सरे ये दिखा रहा हूँ, जिसका एक्सरे मेरे पास में है, जिसमें साफ साफ दिख रहा है कि मेरे को साइड पसली में एनर्जी हुई है, मतलब मेरे को वहाँ पर बहुत बड़ी चोट आई है। और एक मेडिकल रिपोर्ट भी है जहाँ पर मैंने जिला हॉस्पिटल से करवाया, ये उसकी मेडिकल रिपोर्ट है जहाँ पर मैंने अपना इलाज कराया, जहाँ पर मैं पूरा 1.5 दिन एडमिट रहा, लगा मेरे को। और उसके बाद FIR मेरे ऊपर की जा रही है, वो भी भारतीय जनता पार्टी का वीडियो आने के बाद, भारतीय जनता पार्टी के IT सेल से वो वीडियो जारी होता है और वीडियो जारी होने के बाद फिर पुलिस कार्रवाई करती है। अरे भैया, जो लोग शहर में अपराध कर रहे हैं, ये रायपुर अब चाकूपुर बन गया, ये रायपुर नहीं रहा। और जो साए साए की सरकार है ना, वो ढाए 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 हो गई है, अब साए साए नहीं हो रहा है, सब ढाए 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 बंदूक चल रही है। तो जिनको अपराध जो कर रहे हैं वो उनको पकड़े अपराध को। मुझे बड़ा अफसोस है और मुझे बड़ी पीड़ा हो रही है कि मेरे ऊपर पहली बार इतने सारे अपराध पंजीबद्ध किए गए हैं। मैंने अपने पूरे कैरियर में पिछले 20 साल में मेरे ऊपर इतने कभी गंभीर आरोप नहीं लगे, इतना मेरे ऊपर केस नहीं लगा जो मुझे अभी केस लगाया गया। क्या जो पुलिस वाले मुझे मारे, जो पुलिस वाले ने मेरे पर प्रहार किया, जो पुलिस वाले ने मेरी पसली तोड़ी, क्या उनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलेंगे या यहाँ के SP क्या उनके ऊपर अपराध पंजीबद्ध करेंगे, क्या उनके ऊपर अपराध दर्ज किया जाएगा? जो अपराध मेरे ऊपर दर्ज हुआ, क्या सेम अपराध उनके ऊपर दर्ज होगा? एडमिट तो मैं गया, आप सब ने देखा, एम्बुलेंस आई, आपने सब देखा, मैं एम्बुलेंस में उठने के काबिल नहीं था, उठ के मैं गया, मेरे को उठा के लेके गया स्ट्रक्चर में, वहाँ मेरा 1.5 दिन मैं हॉस्पिटल में रहा। तो लगा तो मेरे को, और FIR हो रही है मेरे ऊपर, और वो 25,000 की भीड़ में मुझे जानबूझ के राजनीतिक द्वेष के चलते, क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि किसी ना किसी तरीके से महापौर को और एजाज डेबर जी को
बदनाम किया जाए, मुझे डराने का प्रयास किया जा रहा है, मुझे चुप करने का प्रयास किया जा रहा है। मगर मैंने कभी आज तक अपने लाइफ में कोई गलत काम नहीं किया है, और यदि पुलिस वाले के साथ में अगर मैं उनका सम्मान करता हूं, और हमेशा मैंने उनके सम्मान की दृष्टि से देखा है, वो किसी के कहने पर अगर किसी के कहने पर FIR कर रहे हैं तो जरूर ये बात को ध्यान रखना चाहिए। ये घड़ी का काटा है, समय का परिवर्तन है, समय आज इधर है तो समय कल उधर भी होगा, और जब उधर होगा तब उस समय फिर आपको देखेंगे। ऐसा नहीं है तो जो लोग पुलिस वाले उनके कहने से अगर ऐसा कर रहे हैं तो उन लोग को इस बात का ध्यान रखना चाहिए, ये समय का काटा है। अगर आज 12 बज रहा है तो कल 6 भी बजेगा, और आज 6 बज रहा है तो परसों 12 भी बजेगा। तो ये चीज़ का उनको ध्यान रखना चाहिए। मैं कल से बहुत उसमें हूँ, मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है मेरे को एकदम मानसिक वो हो जाएगा। मेरे ऊपर पिछले 20 साल में 22 साल में मेरे राजनीतिक करियर में कभी इतने गंभीर आरोप नहीं लगे, और ना आप पूरा मेरा करियर निकाल के देख सकते हैं कि मेरे ऊपर कभी इतने गंभीर आरोप नहीं लगे। ये पहली बार है, आज तक जो लगा पॉलिटिकल केसेस लगे, मगर ये पहली बार है जिसमें पता नहीं बलवा किस बात का बलवा। अरे बलवे के लिए क्या मैं अकेला था भैया? देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही लेटेस्ट खबरों के लिए बेल आइकन को प्रेस